वेलकम टू सुपर डुपर फिल्मी। तो यार आज हम बात करने वाले टॉप 18 सर्वाइवल मूवीज के बारे में। इन मूवीज का एक्सपीरियंस इतना गजब का होता है कि ये हमें लाइफ के हर सिचुएशंस में आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। इसलिए इनकी खास बात ये होती है कि चाहे ये जिस भी लैंग्वेज में हो, ये मूवीज हमें सीधा उन सिचुएशंस में जोड़ देती है जैसे कि हम उसी सिचुएशंस में हो। फिल्म मेकिंग का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है। तो यार कोई स्पॉयलर नहीं है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आई एम श्योर आप लोग बोर नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.8 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 18 पर है द ग्रे। ये एक सर्वाइवल मूवी होने के साथ साथ एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म भी है और कई सीन्स में आपको ये डरावनी भी लगेगी। इसलिए अकेले में हेडफोन्स लगा के ये मूवी जरूर देखना यार, मजा आ जाएगा। सेवन IMDb रेटिंग के साथ नंबर 17 पर है बरीड। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में हम सभी के फेवरेट डेडपूल का रोल करने वाले रायन रेनॉल्ड्स लीड रोल में है। नंबर 16 पर 7.1 IMDb रेटिंग के साथ है एवरेस्ट। ये फिल्म आपको लिटरली एवरेस्ट पर चढ़ना कितना मुश्किल है ये दिखा देगी। ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है और इस फिल्म में जैक जिलनहॉल और जोश ब्रोलिन जैसे एक्टर्स लीड रोल्स में हैं। सेवन पॉइंट टू IMDb रेटिंग के साथ नंबर 15 पर है आई एम लेजेंड। ये फिल्म एक सोल सर्वाइवर साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म में आपको शानदार एक्टर विल स्मिथ लीड रोल में दिखेंगे और ये फिल्म इसी नाम के 1954 की नोवेल पर बेस्ड है। सेवन पॉइंट टू IMDb रेटिंग के साथ नंबर 14 पर है अनब्रोकन। ये एक रियल लाइफ बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में कई दिल दहला देने वाले सीन्स है और साथ ही ये फिल्म इस लिस्ट की सभी फिल्म्स की तरह स्ट्रांगली ये मैसेज देती है कि चाहे जो हो जाए कभी हार नहीं मानना चाहिए। नंबर 13 पर 7.3 IMDb रेटिंग के साथ है रेस्क्यू डॉन। ये फिल्म एक वियतनाम वॉर के दौरान AUS पायलट के प्लेन क्रैश के बाद में एक आइलैंड पर दुश्मनों के बीच फंस जाने की कहानी है। उसमें वो कैसे क्या उनके बीच में सर्वाइव करके निकल पाता है ये कहानी बताती है और उस पायलट का कैरेक्टर प्ले किया है क्रिश्चियन बेल ने, जिसे हमने बैटमैन के रोल में भी देखा है। सेवन पॉइंट थ्री IMDb रेटिंग के साथ नंबर 12 पर है द वेबैक। ये एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें साइबेरियन गुलाग में एक आर्मी ऑफिसर को 20 साल की सजा होती है, जहां पर वो कैदियों से मिलता है और वहां से एस्केप करने का प्लान बनाता है, जिसमें उसे 4000 माइल्स चल करके एस्केप करना होता है और अलग अलग परेशानियों से बच करके सर्वाइव करना होता है। ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, इस फिल्म को एक ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिल चुका है। नंबर 11 पर है 7.4 IMDb रेटिंग के साथ रॉबिट प्रूफ फैंस। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। कुछ भी इतना हार्ट ब्रेकिंग नहीं होता जितना तीन बच्चियों को अपने माँ बाप के बिना सर्वाइव करते हुए देखना होता है। इसलिए ये फिल्म आप जरूर देखिएगा, ये आपको इमोशनल के साथ साथ इंस्पायर भी करेगी। सेवन पॉइंट सिक्स IMDb रेटिंग के साथ नंबर 10 पर है 127 आवर्स। ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म में भी आपको स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डेनी बॉयल का डायरेक्शन और AR रहमान के म्यूजिक का जादू देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार। बहुत मेहनत लगती है मूवीज़ ढूंढने में और आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बनाने में, और यार स्माइल करते हुए वीडियो को लाइक भी मार दो। नंबर 9 पर है 7.7 IMDb रेटिंग के साथ ग्रेविटी। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन स्पेस ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म ने अलग अलग कैटेगरीज में 7 ऑस्कर जीते थे, क्योंकि ये फिल्म इतनी रियलिस्टिक है कि आपको फिल्म देखते समय ऐसा लगेगा जैसे आप सीधे कैरेक्टर्स के साथ स्पेस में जा चुके हैं। मुझे इस फिल्म का डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद आई थी। 7.8 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 8 पर है कास्टअवे। इस फिल्म में ग्रेट एक्टर टॉम हैंक्स है, जो कि एक प्लेन क्रैश के दौरान किसी आइलैंड पर फंस जाते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर में 2 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से बेस्ट एक्टर के लिए टॉम हैंक्स को नॉमिनेशन मिला था। Fire! Look what I have created! I have made fire!
नंबर 7 पर है 7.9 IMDb रेटिंग के साथ लाइफ ऑफ पाई। इस फिल्म में ऑलमोस्ट सभी इंडियन एक्टर्स ने काम किया है, जैसे आदिल हुसैन, तबू, एडल्ट पाई का कैरेक्टर इरफान खान ने और यंगर पाई का कैरेक्टर सूरज शर्मा ने निभाया है। इस फिल्म ने 4 ऑस्कर जीते थे और ये फिल्म आपको लाइफ से रिलेटेड कई लेसन सिखाती है। सेवन पॉइंट नाइन आई एम डी बी रेटिंग के साथ नंबर 6 पर है डनकर्क। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डनकर्क पर फंसे सोल्जर्स के सर्वाइवल की कहानी है। इस फिल्म ने 8 ऑस्कर नॉमिनेशन में से 3 ऑस्कर जीते थे और इस फिल्म में मेरे फेवरेट डायरेक्शन के भगवान क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन और म्यूजिक के भगवान हंस जीमर का म्यूजिक है। 8 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 5 पर है द मार्शियन। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन स्पेस ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे। ये एक विजुअल ट्रीट है यार। इस फिल्म में मैट डेमन एस्ट्रोनॉट के कैरेक्टर में है जो मार्स पर फंस जाता है और मार्स पर वो सर्वाइव कैसे करता है यही आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर 8 IMDb रेटिंग के साथ इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड मूवी है टचिंग द वॉइड। ये फिल्म आप जरूर देखिएगा यार। नंबर 3 पर 8 IMDb रेटिंग के साथ है द रेवेनेंट। इस फिल्म ने 12 ऑस्कर नॉमिनेशंस में से 3 ऑस्कर जीते थे, जिसमें से एक ऑस्कर हम सभी के फेवरेट एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर के लिए मिला था। तो यार सर्वाइवल मूवीज़ की इस लिस्ट की नंबर 2 और नंबर 1 पोजीशन की फिल्म को जानने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस देख लेते हैं और ये सभी ऑनरेबल मेंशंस वाली मूवीज़ ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है। Brace for impact. Where is the crew? I don't know. I'm here with you. Gotta get him off the ship! Not like this! तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच में, दोनों को 8.1 IMDb रेटिंग से। पहली फिल्म है इनटू द वाइल्ड, 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड सर्वाइवल मूवी है। नंबर 2 की दूसरी फिल्म है हैक सॉरी। इस फिल्म ने 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस में से 2 ऑस्कर जीते थे। ये फिल्म भी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और ये एक डिफरेंट वॉर सर्वाइवल मूवी है। Help me get one more. नंबर 1 पर टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच। पहली मूवी है रूम, 8.1 IMDb रेटिंग के साथ। इस फिल्म में ब्री लार्सन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पहली बार ऑस्कर नॉमिनेशन में ही बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। Small room that prison. I hoped. और नंबर 1 पर दूसरी मूवी जिसका नाम है 12 Years a Slave, 8.1 IMDb रेटिंग के साथ। इस फिल्म ने 9 ऑस्कर नॉमिनेशंस में से 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे। ये फिल्म भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और इस फिल्म को कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना देखें। नंबर 2 और नंबर 1 की ये चारों मूवीज सबसे हाईएस्ट रेटेड सर्वाइवल मूवीज है और आज की हमारी इस लिस्ट की सभी मूवीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी जेन्युइन और आउटस्टैंडिंग है कि ये फिल्में आपको कई बार रुलाएगी और उसके साथ ही इंस्पायर भी करेगी ये याद रखने के लिए कि नेवर 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 गिव अप वाली बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और होप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यार मुझे कमेंट्स में आपकी फेवरेट सर्वाइवल मूवीज का नाम जरूर बताइए। जैसे इनमें से मेरी फेवरेट सर्वाइवल मूवीज है अनब्रोकन, 127 आवर्स, ग्रेविटी और डनकर्क। और वीडियो में दी गई लिस्ट और इन्फॉर्मेशन सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मार दो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका नेक्स्ट टाइम वेस्ट ना हो टॉप 10 काउंटडाउन्स को ढूंढने के लिए। और अगर आप इस वीडियो या फिर चैनल को रिकमेंड करना चाहते हैं अपने दोस्तों को तो इसे शेयर भी कर दे और देखते रहे सुपर डुपर फिल्मी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी फिट, बी हैप्पी, पीस।